शिल्पा शेट्टी के पति को मिली जमानत, आज जेल से रिहा होंगे राजकुंद्रा। शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया पोस्ट। प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी का दोपहर बाद होगा पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के बाद भू समाधि देने की हो रही है तैयारी। पंच परमेश्वर के निर्णय के बाद ही जाएगी भू समाधि। आगरा में बीजेपी ने शुरू की मिशन 2022 की शुरुआत। बीजेपी ने विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, कहा पूर्ण बहुमत के साथ फिर आएगी बीजेपी। अमेठी में तिलोई पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने जुमलेबाजी कर सबका सत्यानाश कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में ये सुसाइड का मामला बताया जा रहा है, जिसमें नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी को उकसाने के लिए हिरासत में लिया गया है और पूछताछ चल रही है। वहीं उनकी मौत पर पतंजलि योग पीठ से योग गुरु बाबा रामदेव ने भी आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूज्य श्री नरेंद्र गिरी जी महाराज धर्म और आध्यात्मिक जगत और संत समाज की बुलंद आवाज थे। उनका असामयिक निधन राष्ट्र की धर्म सत्ता के लिए क्षति और वेदनापूर्ण आहत है। उनके निधन के पीछे के कारणों और तथ्यों की निष्पक्ष से जांच होनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी का आज दोपहर बता दें 2 बजे स्वरूप प्राणी अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा। वहीं पोस्टमार्टम के बाद भू समाधि देने की तैयारी की जा रही है। तो बता दें महेंद्र नरेंद्र गिरी की कल संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि अब कई एंगल कई तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं। जांच लगातार की जा रही है, पूछताछ लोगों से की जा रही है। अब 2 बजे आज उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जी के रहस्यमय तरीके से इस संसार से जाने को लेकर के हम बहुत स्तब्ध हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म अध्यात्म और संस्कृति की बुलंद आवाज थे और एक वीर योद्धा एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं हो रहा। षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जाँच होनी चाहिए। आपका नाम जिस तरह से आ रहा है, जाँच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कहीं महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है, फिर कैसे नाम ये बताया जा रहा है उनके पास सुसाइड नोट मिला है, उसमें आपका नाम है। षड्यंत्र का विषय है, जांच का विषय है, जांच करें आप। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अश्लील फिल्मों से जुड़े मामलों में 2 महीने पहले गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद शिल्पा को कई तरह की परेशानियों और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। वहीं अब शिल्पा और राज के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि सोमवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने राज को जमानत दे दी है। अदालत ने कुंद्रा के सहयोगी रयान थोर्प को भी जमानत दे दी है। बता दें कि थोर्प को भी जुलाई में कुंद्रा के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं सोमवार को राज कुंद्रा को मिली जमानत के बाद भी शिल्पा ने अपने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि इंद्रधनुष ये साबित करने के लिए मौजूद है कि एक बुरे तूफान के बाद भी खूबसूरत चीजें हो सकती हैं। राज कुंद्रा ने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दाखिल करते हुए दावा किया था कि इस मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने याचिका में दावा किया था कि उनके कथित संदिग्ध अश्लील सामग्री के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल होने का कोई सबूत नहीं है और उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो अब करीब 2 महीने बाद आज राज कुंद्रा को जमानत मिल गई है, यानी कि आज राज कुंद्रा घर पर पहुंचने वाले हैं। तो बता दें करीब 2 महीने पहले अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से ही छानबीन की जा रही थी, जांच की जा रही थी, जिसके बाद अब उन्हें जमानत मिल चुकी है।
जैसे जैसे 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम पार्टियों के लोग कुछ नया करते हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपनी पार्टी की नीतियों को बताने और तमाम बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रसपा के प्रत्याशी शोएब खान पीलीभीत की मलिन बस्ती काशीराम कॉलोनी अचानक पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना। आपको बता दें कि शहर में ऐसी 3 कॉलोनियां हैं जहां बेहद गरीब लोग गुजर बसर करते हैं, जहां से कोई नेता या अधिकारी इन कॉलोनियों में जाकर नहीं झांका, ना ही गरीब लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की। इन कॉलोनियों में बेहद गंदगी रहती है और जो सरकारी नल लगे हुए हैं वो भी खराब पड़े हैं। ऐसे में प्रसपा प्रत्याशी शोएब खान ने जनता से वादा किया कि वो 127 शहर विधानसभा सीट से जनता उनको चुनकर विधानसभा भेजती है, तो सबसे पहले उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और विकास कार्यों की शुरुआत इन्हीं कॉलोनियों से की जाएगी। हम शहर के 127 शहर विधानसभा के ईदगाह कॉलोनी में मौजूद हैं। बात करेंगे यहाँ के विकास कार्यों की, क्या यहाँ पे लोगों की समस्याएं हैं। जिस तरीके से बात की है इस कॉलोनी की, तो बसपा शासनकाल में इस कॉलोनी का निर्माण किया गया था, उसके बाद तो यहाँ ना या तो यहाँ पर कोई राजनेता कोई यहाँ पर देखने आए, न लोगों की समस्याओं को जाना। आज यहाँ पर जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शहर विधानसभा से, वो हमारे साथ मौजूद है, वो यहाँ पर आए हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका इस कॉलोनी को लेकर। क्या सर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप यहाँ आए हैं, आज तक यहाँ पर कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आया, आज को जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर क्या काम करेंगे? 127 विधानसभा में जिस दिन से मैं प्रत्याशी हुआ हूँ या उससे पहले से भी, मैंने हर जगह वहाँ पहुँचने का काम करा है जहाँ लोग कमज़ोर हैं, जिनके पास लोग नहीं पहुँच पाए, जिनकी परेशानी है। मुझे जानकारी हुई ईदगाह कॉलोनी की, जो हमने ये बूथ पर संवाद कार्यक्रम के बारे में जब हमने तय किया, तो हमने शुरुआत के लिए हमने सोचा कि इस कॉलोनी से किया जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी मुझे पता चला कि अंधेरा होने के बाद यहाँ चलना दूभर हो जाता है, लाइट की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है, जबकि इतना वोट होने के बाद ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और रात में न लाइट का इंतज़ाम है, पानी का बताया जा रहा है कि सारे सरकारी नल ख़राब हैं। तो मैंने कहा है उसके लिए मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा संबंधित अधिकारियों से। जिस तरीके से ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी तो है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते भी हैं, लेकिन बात किया है यहाँ की साफ़ सफाई को लेकर, तो यहाँ साफ़ सफाई के नाम पर जो है जीरो है, तो उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? साफ़ सफाई के साथ साथ पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, बिजली की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, और साफ़ सफाई का हालात आप देख रहे हैं, नालियाँ टूटी हैं, घास खड़ी हुई है, कोई इंतज़ाम मुझे लगता नहीं है या नगर निगम से या कोई यहाँ पर, क्योंकि ये लोकसभा और विधानसभा में ही जुड़ी हुई है कॉलोनी, नगर निगम से नगर पालिका से इस कॉलोनी का जोड़ नहीं रखा। मैं इसकी मांग भी उठाना चाहूँगा कि इसको नगर पालिका से जोड़ा जाए। जिस तरीके से कॉलोनी की बात चल रही है, आप कॉलोनी में हैं, तो कॉलोनी में अगर देखा जाए काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, यहाँ के लोग अगर कहीं शिकायत करने भी जाते हैं तो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। नगर पालिका में जाते हैं तो नगर पालिका, जैसे सड़कों की बात किया, यहाँ पर जो सड़कें हैं तो वो PWD पर टाल देता है, और कहीं और जाते हैं तो मतलब पालिका के ऊपर टाल दिया जाता है, तो इस तरीके टाला मटोली चलती रहती है, लेकिन उनका कोई समस्या समाधान नहीं होता, उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? मैं यहाँ के हर एक इंसान के साथ, उनका भाई बनकर, उनका बेटा बनकर उनके साथ खड़ा हूँ। आने वाले वक्त में मैं ताकत में आता हूँ, यहाँ से विधायक बनता हूँ, तो मैं विकास की शुरुआत भी यहीं से करूँगा, और उससे पहले भी जहाँ भी जो भी समस्याएँ यहाँ की हैं, मैं उसके लिए लोगों के साथ खड़ा हूँ, इनके साथ जाकर अधिकारी से मिलूँगा, संबंधित अधिकारी से मिलूँगा और इस पर कार्रवाई कराने का काम करूँगा। जिस तरीके काशीराम कॉलोनी की बात चल रही, तो काशीराम यहाँ पे जो है शहर में जो है 3 कॉलोनियाँ, एक ईदगाह कॉलोनी हो गई, एक आवास विकास हो गई, एक इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट कॉलोनी, जहाँ तीनों कॉलोनियों की अगर बात किया, तीनों कॉलोनियों का हाल जो है बद से बदतर है, उसको लेके क्या कुछ करेंगे अगर आप जीतते हैं यहाँ से? तो मैं जीतता हूँ तो मैं जैसी शुरुआत यहाँ से करूँगा, वैसे बाकी बची हुई दोनों कॉलोनी से भी करूँगा, और उनके साथ मैं वहाँ के लोगों के साथ जो भी समस्याएं हैं उनके लिए पहले भी खड़ा हूँ, बाद में तो जब मैं विधायक बन जाऊँगा तो कलम में ताकत आ जाएगी, उसके लिए फिर जिस वक्त आधी रात मेरे पास आएंगे, पहली बात तो इन्हें आना ही पड़ेगा, मैं खुद इनके बीच आकर इनकी समस्याएं दूर करूँगा। जिस तरीके से हमने यहाँ से 127 शहर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं शोएब खान जी, उनसे हमने जानकारी ली, बात करी कि जिस तरीके जो शहर में 3 कॉलोनियाँ हैं, जो ईदगाह कॉलोनी है, काशीराम आवास और आवास विकास, उसके अलावा एक ट्रांसपोर्ट कॉलोनी है, तो जिस तरीके कॉलोनी की बात किया है, बसपा शासनकाल में इस कॉलोनी का निर्माण कराया गया था, उसके बाद कोई यहाँ पर देखने नहीं आया, आज पहली बार जो है यहाँ से सदर सीट से जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर आए हैं, और उनका दावा है, वादा है कि अगर वो जीतते हैं यहाँ से तो सबसे पहले काम इन्हीं कॉलोनियों से शुरुआत की जाएगी। पीलीभीत से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रांजल गुप्ता।
फिरोजाबाद में डेंगू वायरल फीवर का कहर अभी भी जारी है। कई गांवों में करीब 60% युवा बच्चे और महिलाएं बुखार से पीड़ित हैं। बावजूद इसके अब तक ना तो गांवों में साफ सफाई हुई है और ना ही फॉगिंग और किसी तरह का छिड़काव कराया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी एक बार की भी टीम गांव में भेजी है, उसके बाद आज तक स्वास्थ्य विभाग ने भी दोबारा मुड़कर गांव में नहीं देखा। दरअसल फिरोजाबाद के तहसील टूंडला क्षेत्र में करीब 1200 की आबादी वाले इस गाँव में डेंगू वायरल फीवर से करीब 60% बच्चे युवा बुरी तरह से पीड़ित हैं। आधे से ज्यादा टूंडला आगरा प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। वहीं इस वायरल से गांव में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन वायरल फीवर ग्रसित गांव में साफ सफाई एंटी लार्वा के छिड़काव सहित गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने की बात कहता है। हकीकत यह है कि गांव में वायरल फीवर से हुई 4 मौतों के बाद भी प्रशासन या ग्राम प्रधान की तरफ से किसी तरह का कोई छिड़काव या फॉगिंग तक नहीं कराई गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि एक बार भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राथमिक विद्यालय में कैंप लगाया था और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी दोबारा मुड़कर नहीं देखा। हालात ये है कि घर घर में लोग बुखार से पीड़ित हैं और कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। ये मनीगढ़ी गांव है और यहाँ 50-60% से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हैं और यहाँ कोई आज तक कोई भी टीम ने डॉक्टर की न सफाई कर्मी की कोई टीम न दवाई छिड़के वाली कोई टीम नहीं आई जाती और पूरा गांव जो है डेंगू से पीड़ित। कितने लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई है? 4 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है। कितने कितने उम्र के थे, क्या नाम थे? एक तो 30-35 साल की, नाम तो उसको नहीं, क्या नाम है उनको? संगीता। एक बच्ची पल्ले गांव में है संतोष की, अब नाम तो नहीं मालूम, वो जो है जडेश में जो है उसकी मृत्यु हुई है। मेरे गांव में लगभग औसतन हर घर से 3-4 मरीज तो बीमार हैं और कुछ मरीज अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लगभग 15-20 आदमी बच्चों सहित हॉस्पिटल में आगरा टूंगा एडमास्टो, और करीब करीब 3-4 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 3 डॉक्टरों का कोई आई नहीं इधर, न कोई यहाँ पर कोई सुविधा है दवाई के बारे में, न कोई किसी की यहाँ पर सरकारी व्यवस्था करवाई है। ये गांव की पोजीशन बहुत ही विशेष खराब है। आपके घर में कितने लोग बीमार हैं? मेरे घर में सभी 10 लोग बीमार हैं, बच्चों सहित। सबसे ज्यादा हमारे गांव में गंदगी फैली हुई है, सबसे कीचड़ पानी सब भरा हुआ है, पोखर का पानी कोई निकलता नहीं है, सबरा पानी यहीं पे भर जाता है। इस चक्कर में सारे मच्छर वच्छर वगैरह यहीं पे पैदा होते हैं। इस चक्कर में बहुत से लोग बीमार हैं और किसी की 6,000 प्लेट है, किसी की कुछ है, किसी का कुछ है ऐसे, और बहुत से मेरे सामने खत्म भी हुए हैं ऐसे। अब गांव में अब तक ये वायरल फीवर में कितने लोगों की मौत हुई है? कम से कम 3-4 जने खत्म हो गए। कितने लोग अभी जो है बीमार है? कम से कम होंगे 30 लोग करीब होंगे, 30 करीब होंगे। हरिद्वार से शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का हरिद्वार की सभी विधानसभाओं में जोरदार स्वागत किया गया। लाल ढांग क्षेत्र से गुरजीत लहरी हरिद्वार से ही परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए। बता दें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुरजीत लहरी के यात्रा में शामिल होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। हरिद्वार की सभी विधानसभाओं में जगह जगह विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। गुरजीत लहरी, हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौतियाल, उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय महासचिव अनुपमार रावत समेत कई बड़े नेताओं ने इन जनसभाओं को संबोधित भी किया। तो बता दें कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पहुंची हरिद्वार, जिसमें कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हुए और ऐसे परिवर्तन यात्रा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुरजीत लहरी भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आए। तो बता दें लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी कमर कसती हुई एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां एक तरफ बीजेपी भी रैली निकाल रही है, यात्रा निकाल रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में तमाम जगह पर ये परिवर्तन यात्रा होते हुए निकल रही है। ऐसे में ये यात्रा हरिद्वार पहुंची, जहां पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुरजीत लहरी पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए दम भरते हुए नजर आए। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं में दम भरा और ऐसे में बता दें ये जो परिवर्तन यात्रा है पिछले काफी समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से निकाली जा रही है।
और हर कोई अब अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटा हुआ है क्योंकि बेहद ही कम समय रह गया है, विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। तक का कार्यकाल ये डबल इंजन की सरकार का रहा है और जिस तरीके से इन लोगों ने वादा किया था और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में सत्ता में काबिज हुई थी, इन्होंने सिवाय मुख्यमंत्री बदलने के, भ्रष्टाचारी को खत्म ना करने के और लगातार अपनी ही सरकार की, अपनी ही लोगों की बगावत के अलावा और कोई उपलब्धि रही नहीं। जिस चीज़ को देखते हुए किसान, नौजवान, व्यापारी सब हताश होकर के इस परिवर्तन रैली में शामिल हुआ है, कांग्रेस के पक्ष में जो आप देख रहे हैं समर्थन, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग पूर्ण बहुमत के सरकार साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। विधानसभा के लालडंग ब्लॉक से जहाँ से मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य रही है, हम लोग वहाँ से आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में आज परिवर्तन हमारी जो यात्रा है उस यात्रा का अंतिम जो जनसभा है वो हमारे हरिद्वार ग्रामीण के फिरूपुर में रखी गई है, जिसको हम लोग सफल बनाने के लिए हजारों की तादाद में नौजवान, किसान, व्यापारी, हर वर्ग का साथी आज निकल के सड़कों पर आया है और हम लोग उस जाकर के जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उसके हाथों को मजबूत करेंगे और अपना सफल। वहीं कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र में सरदना कस्बे में विधवा महिला सुषमा देवी की जमीन पर पूर्व प्रधान और उसके दर्जनों साथी जबरन उसके घर के बाहर गाय और भैंसों के गोबर के साथ घरों का कूड़ा भी डालने का काम कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर महिला ने कई बार मना किया लेकिन दबंग नहीं माने और कूड़ा डालते रहे, जिसके बाद पीड़िता ने थाने और तहसील में प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई, जिसके कुछ दिनों के बाद पीड़ित महिला एक बार फिर डीएम और एसपी के कार्यालय पहुंची और शिकायती पत्र दिया, पर सत्ता के रसूख के चलते दबंग काबिज रहे और आज भी दर्जनों प्रार्थना पत्र देने के बाद भी पीड़ित महिला सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही काट रही है। वहीं पीड़ित महिला के बच्चों को भी झूठे केसों में डराया और धमकाया गया और पीड़ित नहीं माना तो दबंगों ने जान से मारने की धमकी दे डाली। हालत यह है कि पीड़ित के घर में आज भी बीमारी फैल चुकी है पर कोई भी उन्हें देखने के लिए नहीं पहुंचा। वहीं सुषमा देवी ने अपनी जमीन के सारे कागजात भी दफ्तरों में पेश कर दिए, जिसके बाद सिर्फ लेखपाल की तरफ से नाम तोल की गई और जगह को महिला का ही बताया गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद दबंगों ने अफसरों से साथ काट कर जगह पर फिर से विवाद शुरू कर दिया। अब हालात ये हैं कि पूरा घर बीमारी से जूझ रहा है, कूड़ा डालने से मना किया गया तो पूर्व प्रधान नीतू मिश्रा ने विधवा महिला को जान से मारने की धमकी दे डाली। महिला इन सब से तंग आकर अब डीएम ऑफिस के सामने जान देने की बात कह रही है। कासगंज के कासगंज शहर में बड़े पैमाने पर चल रहे स्टेट के कारोबार को लेकर पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे काफी गंभीर हैं। उनके निर्देश पर कासगंज पुलिस ने एक शहर की विख्यात सट्टे की खाई बाड़ी पर छापा मारा और इस दौरान पुलिस ने 7 सट्टेबाजों सहित भारी मात्रा में सट्टे से संबंधित सामान भी बरामद किया। बता दें फिलहाल एसपी ने 7 सटोरियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है और ऐसे में पुलिस अधीक्षक कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे के कुशल निर्देश में और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व और क्षेत्र अधिकारी कासगंज सदीप कुमार पंत के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध जुआरियों और अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कड़ी में रविवार को जिले के कोतवाली कासगंज पुलिस और एसओजी टीम ने मुखबिर की सूचना पर सट्टा किंग असलम के मकान पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने सट्टा खेलते और अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर के तमकुही राज ब्लॉक सभागार में बीजेपी के प्रदेश राज्य मंत्री अतुल सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर 4.5 साल की योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने प्रदेश में बिजली, स्वच्छ पेयजल, गड्ढा मुक्त सड़कें, आयुष्मान कार्ड, कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट, शौचालय, आवास, आयुष्मान कार्ड, किसानों का 34,000 करोड़, कर्ज माफी, प्रवासी मजदूरों को रोजगार का साधन उपलब्ध कराया है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काम किया। मेडिकल कॉलेज, फैक्ट्री के साथ साथ तमाम पुलों और सैकड़ों किलोमीटर की नई सड़कों का जाल बिछाया है, जो पिछली सरकारें नहीं कर पाईं। वो भी 4.5 साल में योगी सरकार ने सब कर दिखाया। अगर ऐसा हुआ है, आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं अभी इसके बारे में कौन सी स्वच्छ
इसका 3 साल भुगतान हुआ है। अगर ऐसा हुआ है और ऐसा कृत्य चाहे वह किसी भी रसूख का व्यक्ति ने किया हो तो बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार उसके खिलाफ FIR करेगी और उसे गिरफ्तार करेंगे। जहां केंद्र और प्रदेश सरकार लाख दावा करती है कि गांव में विकास तेजी से हो रहा है और हर साल गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी आजादी के लगभग 75 साल बीत गए, फिर भी गांव में मूलभूत सुविधा सड़क ही नहीं है। मजबूरन जनता खेतों की मेड़ से अपने घरों तक पहुंच रही है, जबकि गाँव में पानी भर जाने की वजह से जनता मजबूरन पानी से होकर ही उनको अपने घर तक पहुंचना पड़ता है। यही केंद्र और प्रदेश सरकार का विकास का दावा है। कहीं ना कहीं सरकार का विकास दावा कागजों में ही सिमट कर रह गया है। दरअसल बस्ती के गैर विकास खंड क्षेत्र के मझोवा चौबे ग्राम पंचायत का राजस्व गांव अगनियापुर में ग्रामीणों को 2 दशक से संपर्क मार्ग का इंतजार है। प्रधानी चुनाव में हर बार लोग इस मार्ग के निर्माण की आस लगाकर भोली भाली जनता से वोट हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी 5 साल कोई जनप्रतिनिधि को इस सड़क की सुध नहीं रहती। आज इस गाँव की स्थिति ऐसी है कि ग्रामीणों को अपने घर पर पहुंचने के लिए पानी से होकर ही जाना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों के मन में डर है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग रात में इसी पानी से गुजरकर घर पर जाते हैं, कहीं कोई जहरीला जानवर पानी के अंदर काट लेगा तो हम लोगों की जान चली जाएगी। तो बता दें, बस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर आज तक ये ग्रामीण जो हैं वो विकास की बात देख रहे हैं। हालांकि सरकार प्रशासन विकास के लाख दावे तो करता है, लाख वादे तो करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास है ही नहीं। वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से विकास के नाम पर एक काम नहीं किया गया। चुनाव से पहले जनता से बड़े बड़े वादे आकर जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं। पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है। 75 साल आजादी के हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये गाँव ऐसा है जहां पर आज तक सड़क नहीं बनी है। विकास के लाख दावे बीजेपी सरकार करती हुई नजर जरूर आती है, लेकिन यह तस्वीर शायद वहां तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए यही नतीजा है कि आज तक इस गांव में सड़क नहीं है। और ऐसे में बस्ती में थाना गौर की ये पूरा मामला है जहां पर सड़क नहीं है और गांव के जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं। और ऐसे में ग्रामीणों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि रात के अंधेरे में भी उन्हें पानी से होकर ही अपने घर तक पहुंचना पड़ता है। सड़क नहीं बन रही, सड़क के बाद 10 साल पहले मिट्टी कार हुआ है। ग्राम जो ब्लॉक गौर ग्राम पंचायत मझुआ चौबे अंगनियापुर का मामला है। मिट्टी का कार्य अधूरा हुआ, उसके बाद सड़क की रास्ता जो है बगल से है, जिस पर जंगल जो है उगा हुआ है। रास्ता ना होने का लोग पानी में से आ जा रहे हैं, तो भाई गर्मी काम नहीं करता। और रास्ते में जंगल झाड़ जब से हुआ, पेड़ थे उसमें पेड़ वैसे ही रह गया, कटाई नहीं हुआ उसका पेड़ का। इस रास्ते से कितने परिवार के लोग आते जाते हैं? करीबन 80 परिवार के लोग हैं। तमाम प्रयास के बाद भी सड़क अधूरा है। एप्लीकेशन भी दिया गया कई जगह, उसके बाद भी कार्य नहीं किया गया। 10 साल से अधूरा है सड़क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।